हरियाणा रोडवेज बस चालक व प्राइवेट बस चालकों के बीच गत दिनों हुए झगड़े को लेकर तीन प्राइवेट बस चालकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसके चलते आज बड़ी संख्या में सरकारी बस चालक पुराने बस अड्डे पर रोडवेज की कार्यशाला के सामने इकट्ठे हुए। इस दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई। वही पुलिस जांच अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर सरकारी बस चालकों को आश्वासन दिया कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो अन्य व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों बस रूट को लेकर प्राइवेट बस चालक व सरकारी बस चालकों में लड़ाई हो गई थी, जिसमें कई बस चालक घायल भी हो गए थे, जिसके चलते सरकारी बस चालकों द्वारा प्राइवेट बस चालकों पर पुलिस ने मामला दर्ज करवाया गया था। उसी कड़ी में आज बड़ी संख्या में सरकारी बस चालक रोडवेज वर्कशॉप के सामने इकट्ठा हुए। इस दौरान प्राइवेट बस चालकों द्वारा की गई मारपीट का संज्ञान लेते हुए उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। वही सरकारी बस चालकों की मांग को देखते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द अन्य दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं करनाल के पुराने बस स्टैंड की। पिछले दिनों प्राइवेट बस वालों के साथ सरकारी बस चालकों का विवाद खड़ा हो गया था, मारपीट हो गई थी, जिसके चलते FIR दर्ज करवाई गई थी। उसी मामले में आज बड़ी संख्या में सरकारी बस चालक हड़ताल कर रहे हैं। आज हम 9 तारीख को हमारे कर्मचारी के साथ मारपीट हुई थी, इसलिए हमने सरकार को और GM करनाल को नोटिस दिया था भी अगर 17 तारीख तक इनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम अपना डिपो बंद करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके बावजूद उनमें से एक आरोपी को पकड़ा गया था और बाकी जो दो आरोपी हैं वो भी गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस प्रशासन ने, DSP साहब ने और हमारे GM साहब ने आश्वासन दिया है भाई इनको 2-4 दिन का टाइम दिया जाए। हमने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया भाई, 1 हफ्ते तक उनको गिरफ्तार किया जाए। अपने प्रशासन को भी और अपने RTO साहब को भी, क्योंकि ये एक तो इनके हमारी जो 27 परमिट हैं इनके कुल 20 परमिट हैं, हमारे 27 परमिट होने के बाद भी हमारी 9 मिनट हैं और इनकी 20 होने के बाद ये 18 मिनट लेते हैं। चलो 18 मिनट ले भी ली, सरकार का प्रोसीजर है जो चल रहा है, उसका प्रोसेस चला हुआ है तो टाइम टेबल की मीटिंग के लिए, उसमें भी झगड़ाबाजी करते हैं। जब हमारी 9 मिनट थी उसमें भी इन्होंने गाड़ी लगाने की कोशिश करी और मेरे कर्मचारियों के साथ इन्होंने झगड़ाबाजी किया और गाली गलौज करी और अभद्र भाषा का प्रयोग कराया। तो जब प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली तो कर्मचारी साथियों ने, तालमेल कमेटी ने नारेबाजी की, उसके बाद DSP साहब आए, उन्होंने उसके बाद एक आदमी को गिरफ्तार किया, जबकि इसमें 3 आरोपी हैं, 2 आरोपी अभी फरार हैं और अभी आपने देखा है कि SHO साहब मौके पर आए थे, उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है 27 तारीख तक। अगर 27 तारीख तक प्रशासन ने उन तीनों को गिरफ्तार नहीं किया तो रोडवेज का पूरा करनाल डिपो कर्मचारी साथी ये पूरा डिपो बंद करने के लिए मजबूर हो जाएगा। कौन गिरफ्तार किया, क्या नाम? मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, वो चालक है। जो मुख्य आरोपी 2 हैं, जो मुख्य थे राजू मलिक और रोकी अलावला। तो टाइमिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद है? बिल्कुल है सर, होता रहता है। ये एक तो हमारी बस के आगे निकालते हैं, हमारा टाइम दबाते हैं। दूसरी बात, पूरे हरियाणा में कहीं भी रोस्टर नहीं है। रोस्टर मीन्स एक गाड़ी आज चलेगी, एक नेक्स्ट टाइम पर जाएगी, ऐसा कहीं भी नहीं है। जिस गाड़ी का जो प्राइवेट ऑपरेटर का जो टाइम है उसी टाइम पर जानी चाहिए। हमारा ये भी एक प्रोटेस्ट है सर RTO करनाल से, इस रोस्टर को बिल्कुल ठीक किया जाए। कहीं पूरे हरियाणा में कहीं रोस्टर नहीं है, जिस गाड़ी का जो टाइम टेबल है उसी टाइम टेबल गाड़ी उनकी प्राइवेट की चलनी चाहिए, हम इस पर कोई इतराज नहीं है। अगर ये ऐसा करेंगे और प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया तो हम 27 तारीख के बाद तालमेल कमेटी के माध्यम से हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं तो हम अगले आंदोलन करने के लिए मजबूर। लेकिन आपने आके यहाँ समझाया है और कब तक ऐसा है जी, 9 तारीख को एक FIR दर्ज हुई थी 161 नंबर जी, इसमें जो प्राइवेट डिपो के कुछ मुलाजिम थे और सरकारी के थे, जो प्राइवेट वाले थे इन्होंने सरकारी जो मुलाजिम थे उनके साथ मारपीट की थी, उसके संबंध में हमने सेम डे ही FIR दर्ज कर दी थी, जिसकी तफ्तीश DSP श्री विजय देशवाल जी कर रहे हैं और 2 इसमें नामजद हैं वो बकाया अभी जो मुलजिम हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम में ऑलरेडी रेड कर रही हैं, CIS संघ भी उसमें लगी हुई है क्योंकि उस एरिया के पड़ते हैं और जल्द से जल्द इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।